भ्रष्टाचार करने वाले हर बात में मौका तलाश लेते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई में, जहां बीएमसी और माडा पर 214 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगा है। एक आरटीआई से मिली जानकारी ने खुद बीएमसी ने इस रिपोर्ट को पेश किया है। मुंबई में बीएमसी अपने ही जवाब में फंसती नजर आ रही है। एक आरटीआई के जवाब में बीएमसी ने खुद माना है कि माडा और बीएमसी ने कई शौचालयों की मरम्मत करने और नए शौचालयों को बनाने के लिए बजट पास किया गया और रकम भी दे दी गई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि माडा और बीएमसी ने कई शौचालयों की मरम्मत दोनों ने ही करवाई है और दोनों जगह अलग से बजट पास किया गया था, पर काम किसी ने भी नहीं करवाया। इससे करीब 214 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। तो अलग अलग जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसी शौचालय पर करोड़ रुपया खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं तो इसे रोकने की आवश्यकता है। मुंबई महानगर पालिका में महानगर पालिका के अलावा म्हाडा भी शौचालय पर काम करती है। हमने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि सभी एजेंसियों को एक लाने की जरूरत है और मुंबई शहर को जिस तरह से शौचालय की आवश्यकता है, शौचालय नहीं होने की वजह से बड़े पैमाने पर गंदगी फैलती है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीएमसी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग की एक रिपोर्ट है, जो कि पहले आवश्यक कार्रवाई के लिए बीएमसी आयुक्त अजय मेहता को भेजी जा चुकी है। 11 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं, जैसे एक ही टॉयलेट की मरम्मत के लिए माडा और बीएमसी दोनों ने पैसे चुकाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वास्तविक काम की लागत अनुमान से कई गुना ज्यादा है। नई सीट के निर्माण पर केवल 1,78,000 रुपए की लागत अनुमानित होती है, जबकि कुछ शौचालयों में एक सीट पर 3 से 10 लाख की लागत का खर्च बताया गया है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग जांच की बात कह रहे हैं। माडा टॉयलेट रिपेयरिंग नहीं करती है, माडा स्लम के अंदर टॉयलेट नए बनाने होता है तो बनाती है, और कॉर्पोरेशन के कर्तृत्व में जो शौचालय माडा ने बनाया है वो हस्तगत करती है और बाद में उनकी नीति में से आवश्यकता पड़ने पर वो लोग रिपेयर करते हैं। अब जो विषय निकला है वो विषय की जानकारी लेकर पर्टिकुलरली कौन से शौचालय दोनों जगह से वापरे गए तो फिर ये बहुत गंभीर बात है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीएमसी में सरकार की सहयोगी शिवसेना का कब्जा है, फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी धांधली खुद सरकार के गढ़ में सामने आ रही है, जिसकी वजह से मुंबई स्वच्छ भारत रैंकिंग में 10वें पायदान से 29वें नंबर पर खिसक गया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा न होते हुए अब टॉयलेट एक भ्रष्ट कथा हो गई है, क्योंकि इसी तरह के टॉयलेट्स की मरम्मत करने के लिए अलग अलग एजेंसियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मुंबई स्वच्छता के अगले पायदान पर कब तक पहुंचेगी। कैमरामैन सत्यदेव के साथ राहुल देव शर्मा, दसिया जनरल न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।